Now in this video, we are going to learn about the advanced fill option. We have used this a lot throughout our course of Excel. हमने इसको बहुत जगह यूज़ किया है एंड मैंने ये फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि कैसे हम फिल हैंडल को यूज़ करते हैं टू कॉपी डाउन द फॉर्मूलाज टू ड्रैग डाउन द फॉर्मूलाज. लेट्स से सपोज तीन इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स है विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सबसे पहला तो मुझे बताना है कि फिल हैंडल होता क्या है. द मोमेंट यू टेक योर कर्सर ऑन द बॉटम राइट पार्ट ऑफ योर सेल तो एक प्लस साइन आ जाता है आपके कर्सर पे, वो होता है आपका फिल हैंडल. एंड सिंपली जब उसको हम लोग ड्रैग करते हैं नीचे लेफ्ट राइट या ऊपर की तरफ, कैसे भी आप उसको ड्रैग कर सकते हो, इससे आपका जो भी इस पर्टिकुलर सेल में फंक्शन होगा या कोई वैल्यू होगा वो कॉपी हो जाएगा लेफ्ट राइट अप एंड डाउन में. नाउ हाउ टू, इफ जनरली दिस इज़ एनेबल्ड इन एन एक्सेल, इफ़ दिस इज़ नॉट इनेबल्ड इन योर एक्सेल तो उसको कैसे इनेबल करते हैं. फाइल ऑप्शन में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल टैब, वील गो टू ऑप्शंस, फाइल ऑप्शंस, एडवांस्ड, एंड यहाँ पे अंडर द एडिटिंग ऑप्शन यू विल सी इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप. तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट इनेबल किया हुआ है. इफ़ इट इज़ नॉट इनेबल्ड इन योर एक्सेल, जनरली होता है सबके एक्सेल में इनेबल, अगर नहीं है तो इसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हो. यहाँ पे ये अगर अनटिक्ड है तो इसको प्लीज़ टिक कर देना सो दैट यू कैन इनेबल द फिल हैंडल. एंड बेसिकली इसको हम लोग सेल ड्रैग एंड ड्रॉप भी बोलते हैं. सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन इनेबल्ड इन माई एक्सेल. क्या किया हमने, फाइल टैब, ऑप्शंस एंड एडवांस, एंड हमने इनेबल किया अपने फिल हैंडल को. सो माई फिल हैंडल हैज़ बीन इनेबल्ड. नेक्स्ट ऑप्शन विच वी आर गोइंग टू सी इज हाउ टू फिल ड्रैग नंबर्स मंथ्स एंड डेज. एक चीज़ हमने किया था, इफ़ आई राइट सपोज 10 ओवर हेयर एंड इसको मैं ड्रैग करूँ तो देखना 10 10 10 10 पूरा ड्रैग हो जाएगा जहाँ तक भी मुझे इसको ड्रैग करना है. नाउ सपोज मुझे एक ट्रेंड चाहिए, लेट्स से सपोज मुझे 1 2 3 4 5 सीरियली नंबर चाहिए. सो आई जस्ट राइट 1, आई राइट 2 एंड फिर दोनों सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लेके आना है अपने कर्सर को. द मोमेंट इट चेंजेस टू प्लस साइन इसको आपको ड्रैग करना है एंड यू विल सी द ट्रेंड एज 1 2 3 4. 1 1 का जो गैप है यू विल सी द ट्रेंड. सिमिलरली यू कैन डू इट एज मे बी 5 10 15 आपको करना है, 5 5 के डिफरेंस में आपको चाहिए तो यू विल गेट इट दैट वे ऑल्सो. सिमिलरली दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके फिर आपको फिल हैंडल को यूज़ करके सेल को ड्रैग करना है. दिस इज़ हाउ यू ड्रैग एंड फिल द नंबर ट्रेंड. नेक्स्ट विच वी हैव इज दैट सपोज आपको मंथ्स फिल करने, मैंने यहाँ पे जैन लिखा हुआ है तो इफ़ आई ड्रैग दिस नाउ अपने आप देखो जैन फेब मार्च अप्रैल ये अपने आप सारे मंथ्स आ गए. ये दिस इज़ अ कस्टम लिस्ट विच इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड इन एक्सेल. अगर मैं इसको सबको स्मॉल लेटर्स में भी लिखती एंड फिर ड्रैग करती तो भी ये सारा मंथ्स का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा. बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, ये सारे जो लिस्ट्स है ये कस्टम लिस्ट्स है जो ऑलरेडी मेरे एक्सेल में स्टोर है, वो हम लोग अभी जस्ट इसी वीडियो में देखेंगे कैसे इसको चेंज करते हैं. तो अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है सपोज जनवरी फरवरी मार्च, ये ऑलरेडी इनबिल्ट मेरे लैपटॉप पे स्टोर्ड है, मेरे एक्सेल पे स्टोर्ड है. तो अगर आपको सेम लिस्ट चाहिए सिंपली यू विल जस्ट ड्रैग इट एंड यू विल गेट योर आंसर फॉर ईच मंथ. सिमिलरली वीक के डेज का भी आपको मिलेगा. सपोज मैंने लिखा इधर मंडे, आपको मंडे ट्यूजडे वेंसडे चाहिए सो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वीक का डेज ऑल्सो मंडे टू संडे. वापस से वेन द लिस्ट गेट ओवर वापस से लिस्ट विल बिगिन फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये दिस इज हाउ यू ड्रैग द नंबर्स वेन यू वॉन्ट अ पर्टिकुलर ट्रेंड इन योर नंबर मंथ्स एंड योर वीक डेज. दीज आर द बेसिक कस्टम लिस्ट विच इज़ ऑलरेडी बीन स्टोर्ड इन ऑल द एक्सेल वर्कबुक्स. इसको नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स सपोज मुझे स्टेट्स के नाम, मुझे 4 मेजर स्टेट्स के नाम स्टोर करने हैं तो स्टेट्स या फिर सिटीज़ के नाम स्टोर करने हैं एंड द मोमेंट आई प्रेस 1 पर्टिकुलर सिटी मैं जब उसको ड्रैग करूँ मुझे चाहिए कि बाकी सिटीज़ के नाम भी अपने आप आ जाए. तो जैसे मैंने कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली
एंड मुंबई लिया, ये तीनों चारों जो मैंने सिटीज़ लिए, ये मैंने जब एक सिटी का नाम टाइप किया तब मुझे चाहिए कि सारे सिटी के नाम अपने आप ऐसे फिल हैंडल के थ्रू आ जाए, मुझे सारा सिटी बार बार टाइप नहीं करना पड़े. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज़, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा आई स्टार्ट विद कोलकाता, कोलकाता मैंने लिखा एंड इसको जब मैं ड्रैग करूँगी तो ऑब्वियसली सब जगह कोलकाता लिखा हुआ आ जाएगा. इंस्टेड ऑफ दिस आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर लिस्ट, मेरे तरीके से मुझे उसको फॉर्मेट करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से देखना, फाइल, ऑप्शंस, एडवांस्ड, यहाँ पे एकदम नीचे ले जाओ अपने कर्सर को एंड जनरल का जो ग्रुप है, आई रिपीट, फाइल टैब, ऑप्शंस, एडवांस्ड, जनरल का जो ग्रुप है यहाँ पे यू विल सी क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट्स एंड सॉर्टिंग में जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग आपने सीखा था कि हमने जब हाई इनकम लो इनकम का कस्टम लिस्ट बनाया था एंड द फिल सिक्वेंसेस. तो यहाँ पे आई जस्ट क्लिक ऑन एडिट कस्टम्स लिस्ट. यहाँ पे अपने आप देखो बाय डिफॉल्ट कितने सारे कस्टम नेम्स आ गए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे फुल फॉर्म्स में, जैन फेब, मंडे ट्यूसडे वेंसडे जैन फेब. तो ये सारा जो लिस्ट है, दीज आर द इनबिल्ट लिस्ट ऑफ माय कस्टम लिस्ट ऑफ माय एक्सेल. अब आपको खुद से कोई नया लिस्ट करना है, क्लिक ऑन द न्यू लिस्ट एंड यहाँ पे सिंपली आई कैन राइट कोलकाता, दिल्ली. मेक श्योर यू आर राइटिंग इट इन डिफरेंट लाइन्स. आप कॉमा दे के भी लिख सकते हो, टैप प्रेस करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन राइट इट कॉमा सेपरेटेड ऑल्सो, वो अपने आप ही एक लिस्ट के थ्रू आएगा. आई प्रेफर राइटिंग इन अ सिंगल कॉलम, तो आप भी वैसे ही कर सकते हो, बैंगलोर एंड लास्टली मुंबई. सो आई हैव क्रिएटेड वन लिस्ट, ये मेरा खुद का कस्टम लिस्ट है जो मैं अपने एक्सेल में डाल रही हूँ. आई क्लिक ऑन ऐड, देखो यहाँ पे एक और लिस्ट क्रिएट हो गया, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर. आई जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड आई एम डन. इसको जब अब हम लोग ड्रैग करेंगे तो देखना अपने आप कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, वापस द वंस द लिस्ट गेट्स एग्जॉस्टेड वापस से इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम लिस्ट, फाइल टैब, ऑप्शंस, एडवांस्ड एंड इन द जनरल कैटेगरी यू हैव क्रिएट योर ओन, एडिट योर ओन कस्टम लिस्ट. आई हैव रिटन ऑल दीज डाउन इन माई पर्टिकुलर स्लाइड. एक और चीज़ जो मुझे आपको दिखाना है एंड देन आई कम बैक टू माई स्लाइड. सपोज आई क्रिएट अ न्यू इंटायरली न्यू वर्कबुक. न्यू वर्कबुक दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, दो शॉर्टकट है. एक आपका शॉर्टकट है कंट्रोल एंड का, या फिर आप सिंपली फाइल में भी जाके क्रिएट कर सकते हो. तो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, सब लोग लिख लो, कंट्रोल प्लस एन इज़ द शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक. कंट्रोल एन मैंने क्लिक किया एंड देखो बुक वन अपने आप नया वर्कबुक क्रिएट हो गया. नाउ इन दिस वर्कबुक व्हेन आई टाइप कोलकाता एंड व्हेन आई टाइप कोलकाता एंड ट्राई टू ड्रैग, तो देखो यहाँ पे भी इन डिफरेंट इन इन द अदर वर्कबुक स्टिल आई एम गेटिंग माई लिस्ट. इसका ये मतलब है कि मैंने जो एक लिस्ट क्रिएट किया एक पर्टिकुलर वर्कबुक में, वो मेरे लैपटॉप पे या मेरे पीसी पे स्टोर हो जाएगा एंड ईच टाइम आई यूज़ माई वर्कबुक आई विल गेट दैट पर्टिकुलर लिस्ट ईच टाइम. ये लिस्ट अब डिलीट नहीं होगा. नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट दिस लिस्ट, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, फाइल टैब, ऑप्शंस, एडवांस्ड एंड यहाँ पे यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ एडिट कस्टम लिस्ट. सिंपली क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिस्ट एंड उसको यू कैन डिलीट इफ़ यू वॉन्ट टू. द मोमेंट यू डिलीट, लिस्ट विल बी डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम ऑल योर वर्कबुक्स. एंड अब जब आप लोग ट्राई करोगे ड्रैग करने का, आई विल राइट कोलकाता एंड इसको व्हेन आई ट्राई टू ड्रैग, तब अब ये ड्रैग नहीं होगा. सिंपली सारे सेल्स में कोलकाता पॉपुलेट हो जाएगा क्योंकि मेरा लिस्ट मैंने हटा दिया. सो वंस यू क्रिएट अ कस्टम लिस्ट इट विल गेट एडेड ऑन टू ऑल द वर्कबुक्स, यानी कि आपके पीसी पे वो स्टोर हो जाएगा. सो वेन एवर यू ओपन एनी न्यू वर्कबुक, वो लिस्ट आपके वर्कबुक में प्रेजेंट रहेगा, वो आपके पीसी पे स्टोर हो गया. एक ही काम, एक ही तरीके से वी कैन रिमूव इट बाय रिमूविंग इट परमानेंटली फ्रॉम द कस्टम लिस्ट ऑप्शन. सो दिस इज व्हाट आई शोड यू फॉर द कस्टम लिस्ट. डोंट वॉन्ट टू सेव इट. द नेक्स्ट थिंग विच आई शो यू ऑल इज, लेट्स से सपोज यहाँ पे मुझे आई जस्ट डिलीट दीज. यहाँ पे मैंने जनवरी लिखा एंड द मोमेंट आई ड्रैग दिस
ऑब्वियसली पूरा जो लिस्ट है वो अपने आप आ जाएगा. नाउ इंस्टेड ऑफ जनवरी फेबररी मार्च मुझे चाहिए, मुझे सारे सेल्स में जनवरी चाहिए. सो आई डोंट वॉन्ट टू राइट, नाइदर आई वॉन्ट टू यूज़ कॉपी पेस्ट, आई वॉन्ट टू यूज़ द फिल हैंडल ओनली. तो उसके लिए हम लोग क्या शॉर्टकट यूज़ करते हैं, आपको जहाँ जहाँ पे भी इसको पॉपुलेट करना है जनवरी को, सिंपली वो सिलेक्ट कर लो. तो ये मुझे इन सारे सेल्स में जनवरी JN इस सारे सेल्स में मुझे चाहिए. तो वंस आई हैव सिलेक्टेड, अब आपको क्या प्रेस करना है, दो चीज़ है, दो तरीके से कर सकते हैं. पहला ऑप्शन इज प्रेस कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डाउन, कंट्रोल प्लस डी, डी इज़ फॉर डाउन. तो यहाँ मैंने किया कंट्रोल एंड डी पे मैंने क्लिक किया, तो देखो अपने आप ये पूरा फिल हो गया. एग्जैक्ट सेम वे से हम क्या कर सकते थे, आई कुड हैव डन कंट्रोल प्लस आर, एंड देखो अपने आप सारे जगह पे ये पॉपुलेट हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी सिंपल. व्हेन यू वांट टू गेट द सेम जो आपके कस्टम लिस्ट में आपके स्टोर किया हुआ है ऑलरेडी, एंड आपको इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट पर्टिकुलर लिस्ट आपको सेम वर्ड चाहिए अपने सारे सेल्स में, सो यू कैन सिंपली यूज कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस आर. सिमिलरली यू हैव कंट्रोल प्लस एल इज़ फॉर लेफ्ट एंड कंट्रोल प्लस अप. सो दिस इज़ हाउ यूज. एक और तरीका है टू यूज़ दिस ऑप्शन, इसके लिए आई रिमूव दिस फर्स्ट. जनवरी मैंने लिखा, पूरे सेल्स को जहाँ पे भी मुझे चाहिए मैंने सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज लेफ्ट में लेके जा रहे हैं. होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शन में, एडिटिंग ग्रुप में देर इज़ अ फिल ऑप्शन, फिल ऑप्शन पे क्लिक करो एंड यू गेट ऑल द ऑप्शन कि आपको कैसे इसको कॉपी करना है, कैसे आपको ड्रैग करना है. डाउन करोगे, जैसे मैंने कंट्रोल डी के लिए किया था, तो ये पूरा कॉलम में आपका जनवरी फिल हो जाएगा. एंड लेफ्ट करोगे तो आपका पूरा लेफ्ट साइड में जनवरी फिल हो जाएगा जो मैंने अभी दिखाया. सो इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आपको सेम रेपिटेटिव वर्ड चाहिए, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट दोज सेल्स जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए. आइदर यू कैन यूज़ होम एंड फिल ऑप्शन, और यू कैन यूज़ अ शॉर्टकट Ctrl D, Ctrl R एक्सेट्रा. नाउ आई जस्ट गो बैक टू माई शीट. यहाँ पे आई हैव रिटन डाउन, आई हैव समराइज वॉट एवर वी हैव डन नाउ. तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपली बस देखो यहाँ पे फिल हैंडल हमने किया, फाइल ऑप्शंस एडवांस्ड एनेबल फिल हैंडल. अगर आपके लैपटॉप पे फिल हैंडल एनेबल नहीं किया हुआ है तो उसको आप इनेबल कर सकते हो. फिल ड्रैग नंबर्स हमने किया, नंबर्स ड्रैग किया, मंथ्स डेज किया, खुद से कस्टम लिस्ट बनाया. हमने देखा कि न्यू वर्कबुक में भी वो सेम कस्टम लिस्ट ऑलरेडी एडिड था. वंस यू ऐड वन पर्टिकुलर लिस्ट वो आपके कंप्यूटर पे रहेगा अनलेस आप उसको डिलीट करो. फिर हमने देखा कैसे हम लेफ्ट राइट डाउन एंड अप एक ही पर्टिकुलर चीज़ को कैसे फिल करते हैं. जनवरी को ही फिल करना है, मुझे लिस्ट क्रिएट नहीं करना, मुझे उसी वर्ड को पूरा फिल करना है. तो हम लोग दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की या तो होम टैब एंड फिल ऑप्शन. प्लीज़ राइट दिस डाउन फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस.